सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में खौफ का साया मंडरा रहा है। यहां पिछले कई दिनों से लगातार सुअरों की रहस्यमय बीमारी से मौत हो रही है, जिसका संक्रमण फैजुल्लागंज में तेजी से फैल रहा है और यहां के लोग भी अब बीमार पड़ने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। फैजुल्लागंज में सुअरों की मौत, 120 सुअरों की मौत से इलाके में दहशत, सुअरों की मौत से फैला संक्रमण, सुअर बारों को बंद करने के आदेश, बच्चे हो गए घरों में कैद, स्वास्थ्य विभाग की टीम हुई सक्रिय। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में खौफ का साया मंडरा रहा है। यहां पिछले दो दिनों से लगातार सुअरों की रहस्यमयी बीमारी से मौत हो रही है, जिसका संक्रमण फैजुल्लागंज में तेजी से फैल रहा है और यहां के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। जी हां, फैजुल्लागंज में स्वच्छ भारत मिशन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर निगम की अनदेखी के चलते जगह जगह जल जमाव के चलते संक्रमण रोग का खतरा यहां के लोगों को हमेशा सताता रहता है। हालांकि सुअरों की मौत होने के बाद यहां के लोग खौफजदा हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के फैजुल्लागंज में। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों से देखा जाए तो यहाँ जो सुअर होते हैं, जानवर, उनके मरने की तादाद जो है वो सैकड़ों से ऊपर बढ़ती जा रही है। वहीं आपको बताएं कि नगर निगम की जो टीम है वो सुअरों का जो लार होता है उसको एकत्रित करके और टेस्ट के लिए भेजा है कि आखिर उनके मौत का कारण क्या है। मगर आपको बताएं कि इस इलाके में आप देख सकते हैं कि जो सफाई का स्तर है वो कहीं ना कहीं जो स्वच्छ भारत अभियान का योजना के तहत तमाम सफाई के दावे वादे किए जा रहे हैं उसको ये तार-तार कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जो सुअरों की मौत का कारण है वो जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद साफ होगा। मगर अब सोचने वाली बात ये होगी कि जब इतने ज़्यादा तादाद में जब सुअर मर रहे हैं, साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं उनके अंदर भी कुछ इन्फेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो इस पर जो स्वास्थ्य महकमा है कहीं ना कहीं उसको अपने अलर्ट मोड में आना चाहिए। साथ ही जो सुअरों की मौत हो रही है उस पर नगर निगम की टीमें लगी हुई हैं। मगर अगर बात करें तो बीते 10 दिनों में लगभग 200 से ऊपर सुअर मर चुके हैं। यहाँ तस्वीरों में देख सकते तमाम लोग हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो सुअर मर रहे हैं, साथ ही साथ लोग जो इस सुअरों के मरने के साथ साथ लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, इस पे लोगों का क्या कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मैं अजीत कुमार अज्जू। अच्छा अज्जू, हमें ये बताएं कि बीते 10 दिनों से यहाँ सैकड़ों की तादाद में सुअर मरे हैं, साथ ही साथ लोग भी के अंदर लक्षण दिख रहे हैं दाने और फुंसी जैसे, इस पे आप क्या कहेंगे और क्या कार्रवाई पे आप कितने संतुष्ट हैं जो नगर निगम के द्वारा की जा रही है? सर, सबसे पहले तो मैं इस कार्रवाई पे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जो नगर निगम के द्वारा की गई है, क्योंकि नगर निगम का महकमा पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा। हमारे विधायक जी नीरज बोरा जी के निर्देशों पर वो आए थे, सिर्फ निरीक्षण करके चले गए हैं। और इस समय मेन स्थिति ये है कि आज की डेट में 13 बच्चे बीमार हुए, जो कि एक काफ़ी भयंकर बीमारी को संकेत दे रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि नगर निगम इस चीज़ को बहुत जल्दी संज्ञान में लेके इस चीज़ को सही कराए, वरना फैजुल्लागंज के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। दरअसल फैजुल्लागंज के अलग अलग इलाकों में लगातार संदिग्ध परिस्थितियों में सुअरों की मौत हो रही है और अब तक 120 सुअरों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र के लोगों में दहशत है। लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं, इसके अलावा अपने बच्चों को भी घर के बाहर खेलने से मना कर रहे हैं। सुअरों की मौत के बाद अब फैजुल्लागंज में बीमारी का भी प्रकोप दिखने लगा है। इलाके में कई बच्चे बीमार हैं, उल्टी दस्त की शिकायत के साथ इनके शरीर में दाने निकल आए हैं, जिनका निजी डॉक्टरों से इलाज करवाया जा रहा है। आप अपना नाम बता दें, हमें ये बताएं कि आपके मुताबिक जो यहाँ का स्थानीय विधायक हैं और पार्षद हैं, ये जो यहाँ पे मौतें हो रही हैं सुअर की, साथ ही साथ लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस पर उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, इस पर कितने संतुष्ट हैं आप? भाई, विधायक जी द्वारा तो समय समय पर निर्देश देते हैं नगर निगम टीम को, ठीक है। अब
लाइबिलिटी बनती है यहाँ पे नगर निगम की, वो नगर निगम क्या कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो अभी तक कोई नहीं आया नगर निगम, कोई बंदा अगर यहाँ पे दिख रहा था आप बता दीजिए मुझे। इवन यहाँ तक कि जो आगे की रोड है, आगे की रोड पास हो चुकी थी पूरी, लेकिन अभी तक यहाँ तक नहीं बनाई जा सकी। वो इसलिए कि उन्होंने जो यहाँ के स्थानीय सभासद हैं या जो भी हैं उनके द्वारा फंड को वापस कर दिया गया कि कोई काम नहीं है, इस तरीके की बातें बोल के काम नहीं किया गया। और चूंकि आप देख रहे हैं ये पानी जो है ये सीवर का भरा हुआ है, चूंकि पूरे महल्ले का सीवर का पानी यहीं आके जमा हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे इतनी गंदगी है और इसके अलावा यहीं से ही बीमारी फैलने का मेन कारण यही है। अच्छा, इस पे नगर निगम के जो आपके पार्षद हैं स्थानीय, क्या उनको अपने आप लोगों ने उनको इस बात से अवगत कराया है कि समस्याओं से अब उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? इस संबंध में समय समय पर उनको सूचित किया जाता रहा है कि भाई इस तरीके की समस्या है, और कई कार्यकर्ताओं ने तो उस पर ट्विटर के माध्यम से भी इसको संज्ञान में लाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब कोई आदमी क्या कर सकता है इसके लिए। अच्छा, अगर बात की जाए तो यहाँ तमाम लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, आप स्थानीय हैं, क्या उनके अच्छे अंदर लक्षण दिख रहे हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? उनका तो यही कहना है कि हमें इस क्षेत्र से ओटी नहीं मिला है तो हम इधर काम देखने क्यों आए। अगर बात की जाए लक्षण की, तो क्या लक्षण दिख रहे हैं लोगों में जो इस सुगर के मरने के साथ साथ लोगों के अंदर बताए जा रहे हैं फुंसी फोड़े हो रहे हैं, उस पे क्या हो रहे हैं, इस तरीके का फीवर हो रहा है? और कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये मंकी फॉक्स की कहीं शुरुआत तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि भाई देखिए ये बीमारी है, इसका जब तक कोई इसको पता नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं पता चल सकता इस बारे में। जब तक जाँच नहीं की जाएगी किसी चीज की तब तक तो कोई बात नहीं क्लियर की जा सकती कि एग्जैक्टली है क्या यहाँ पे। तो वही, इसकी शिकायत जब हुई तो नगर निगम की ओर से इलाके की सभी सुअरों को आबादी से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजना शुरू कर दिया गया है। अब तक 60 से ज्यादा सुअरों को यहां से बाहर भेजा जा चुका है। यही नहीं, सुअर बारों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है और कुछ सुअरों को दफना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो देखे तो कल मंकी पॉक्स को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया और ये जांच का विषय है। स्वास्थ्य महकमे को इस पे प्रकाश डालकर अब यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निदान दिलाना चाहिए। साथ ही हमारे साथ एक और व्यक्ति है स्थानीय, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सुअर मर रहे हैं, साथ ही साथ लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आप जो नगर निगम और आपके विधायक हैं उनकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं विधायक जी, कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा। इतना जब ये सुगम मर रहे हैं, 7 साल लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो विधायक जी इस मामले में आकर यहाँ के जो जायजा लिया जाता है, साथ ही साथ जो पार्षद जो है यहाँ के उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? विधायक जी कोई सांसद आया अभी तक, ना विधायक आया ना कोई पार्षद आया, यहाँ देख रेख करने के लिए कोई नहीं, जैसे है वैसे फिलहाल पड़ा ही है। आप देख ही रहे हैं, जल भराव भी देख रहे हैं, सुगर मर रहे हैं तो मरते मरने दो। सांसद कहता है, विधायक कहता है हमको यहाँ से वोट नहीं मिली, मैं यहाँ नहीं आऊँगा। पहले भी यहाँ पे सुअरों का मरने का हादसा हुआ? काफी दिनों से चल रहा है ये, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। तो क्या ये बदलते मौसम की वजह से या फिर कुछ ऐसे जो इलाके का हाल हम जो देख पा रहे हैं, और मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूँगा कि वो दिखाएं कि पूरा जो इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है और देखे तो पूरा कूड़ा फैला हुआ है, तो इसमें जो यहाँ के पार्षद हैं क्या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई करके और ऐसे जो जल जमाव है साथ ही साथ टूटी सड़कें उस पर कार्रवाई की जा रही है? नहीं नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, रोड बनी है आप देख ही रहे हो कितनी, क्या रोड कहा कि अपने इससे अच्छा गाँव बेहतर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए ना पार्षद देखने वाला है, ना विधायक ना सांसद, कोई नहीं, पलट के आता ही नहीं। ये कंडीशन यहाँ बना रखे हैं, गंदगी तो आप देख ही रहे हो, उसमें कहना कुछ है ही नहीं। सुअर तो काफी दिनों से मर रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, यहाँ से वैसे ही सब चल रहा है। जो अगर बोलो तो कहते वोट खरीद करके हमने ऐसा ऐसा काम किया, हम बने हैं अपने दम पे बने। हमको किसी की तो हमारे साथ एक स्थानीय महिला है, मैम हमें ये बताएं कि यहाँ लंबे तादाद में सुअर मर रहे हैं, साथ साथ लोग भी यहाँ बताया जा रहा है कि फोड़े फुंसी के शिकार हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और पहले क्या ऐसे होता रहा या पहली बार हुआ? नहीं पहली बार नहीं, वह यह ऐसे चल ही रहा जब से हम यहाँ मकान लिए हैं, तब से कोई सुनाई नहीं कुछ नहीं, कितनी दरखास्तें लगी सब बातें हुई कुछ नहीं हुआ। अगर बात की जाए तो क्या लक्षण लोगों में दिख रहे हैं और जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही, कोई सुनाई नहीं यहाँ पे। एक कितने बार कितने आदमी गए, कागज दिया, एप्लीकेशन दिया, कोई नहीं सुन रहा, ना मोदी सुन, ना बोरा सुन रहे, ना सभासद सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी और नगर निगम की ओर से लोगों को मास्क पहनने और साफ सफाई घर में रखने की अपील की गई है।
तो वहीं नगर निगम की ओर से भी इस पूरे मामले में साफ सफाई कराई जा रही है। ब्लीचिंग का छिड़काव कराया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण ना फैले। फिलहाल जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की टीम ने भी इलाके का निरीक्षण किया है और पशुपालन विभाग की टीम ने इनके खून के सैंपल भोपाल भेजेगी, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर सुअरों की मौत क्यों हो रही है। तो साफ तौर पे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो कार्रवाइयां उससे नाखुश नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से आशा अपेक्षा लगाई गई है कि यहाँ जो स्वच्छता है उसको में तब्दील किया जाए, स्वच्छ किया जाए इलाके को, और साथ ही साथ जो महामारी एक तरह से देख सकते हैं यहाँ सुअरों की मौत हो रही है और साथ साथ लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, फोड़े फुंसी और तमाम स्किन डिजीजों को लेकर लोग परेशान हैं, उस पर निदान दिलाने को लेकर आशा अपेक्षा लगाए बैठे हैं। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो रहस्यमयी तरीके से सुअरों की मौत हो रही है, एक नई बीमारी फैल रही है जिसका असर इंसानों पे भी हो रहा है। अब इस बीमारी का तो कुछ अता पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन ये जरूर साफ है कि जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं आंखें मूंद कर बैठे हैं, तभी इतना जल जमाव गंदगी बीमारी फैल पाई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।